नमस्कार दोस्तों, हम जब भी आकर्षण के नियम से अपनी मनचाही चीज या लक्ष्य को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम बनते हैं या होते हैं। यही कारण है कि हम अपने सपने को साकार करने के लिए अपने आप को सकारात्मकता के हर पहलू से जोड़ते हैं। सकारात्मकता या पॉजिटिविटी वो सबसे मजबूत आधार है जो आकर्षण के नियम में एक ईंधन का काम करती है। ऐसे में दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, इसे हासिल करना आकर्षण के नियम के बस की बात नहीं। हम कहीं न कहीं इस नियम पर शक करने लगते हैं, डरते हैं कि अगर इस नियम से हमारे सपने साकार नहीं हुए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि ये नियम किसी काम का नहीं, तो ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आकर्षण के नियम से मैनिफेस्ट करने की राह पर चलने वाले लोगों में ये स्वभाव आम तौर पर पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जीवन में हर छोटी से बड़ी उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से ही हासिल की जाती है। लेकिन इस कड़ी मेहनत का जो आधार है, यानी हमारे सकारात्मक विचार, इस पर ना तो कभी बात की जाती है और ना ही इसकी अहमियत हमें बताई जाती है। नतीजतन एक सकारात्मक सोच के बिना किए गए प्रयास टिकाऊ नहीं होते और फिर अंततः हमारी कड़ी मेहनत भी हार मान जाती है और हमारे जीवन का लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ जितनी बड़ी भूमिका हमारे अवचेतन मन के रीप्रोग्रामिंग की है, उतनी ही आकर्षण के नियम की। आज की वीडियो में हम वो तीन तरीके सीखेंगे जिससे हम स्वयं को न केवल आकर्षण के नियम पर बल्कि खुद में छुपी विशेष काबिलियत पर डाउट या शक करने से बचा सकते हैं और आकर्षित कर सकते हैं वो सब कुछ जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, जब हम थोड़ी सी भी यह धारणा बना लेते हैं कि आकर्षण का नियम तो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मेरे इतने बड़े लक्ष्य को साकार कर पाए, तो हम अपने अवचेतन में अविश्वास के वो बीज बो देते हैं जो हमारे जीवन में हमारे लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर सकता है। इसीलिए अविश्वास के इन तत्वों को बाहर निकाल कर किस तरह खुद पर और आकर्षण के नियम पर विश्वास के मजबूत स्तंभ खड़े किए जाएं, यह सीखना और भी अहम हो जाता है। मैं आशा करती हूँ ये तीन तरीके आपकी मदद जरूर करेंगे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित करने में और सेल्फ डाउट को दूर करने में भी। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है, और ये केवल तरीका ही नहीं है बल्कि वो सबसे शक्तिशाली कारण है जिसका इस्तेमाल मैं हमेशा करती हूँ जब भी मेरे मन में कहीं इस नियम के खिलाफ एक शक की भावना सी आती है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसे बताऊं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में भी लिखें ताकि आप भी इस वाक्य की एनर्जी से खुद को जोड़ पाएं। ये वाक्य है, ये कारण है, Who I am not to trust, मैं कौन हूँ इस नियम पर विश्वास ना करने वाली, Who am I not to trust। जी हाँ, आकर्षण के नियम पर विश्वास की राह में हमारे अंदर एक डर और शक की भावना आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शायद कभी न कभी हम खुद को अकेलेपन का ऐसा शिकार मानने लगते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले ही इस नियम के साथ काम कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि क्या हुआ अगर किसी चीज ने इस नियम के खिलाफ काम किया तो, क्या हुआ अगर इस नियम ने काम ही नहीं किया तो, शायद मैं कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन जब भी आप इस तरह की बातें सोचें तो तुरंत कहीं, मैं कौन हूँ इस नियम पर विश्वास नहीं करने वाली, Who am I not to trust? ये वाक्य आपको इस ब्रह्मांड की वननेस से एकात्मकता से जोड़ देगा। इसका मतलब है कि जब भी आप ये वाक्य कहेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ये ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वो शक्ति जिसने आपको बनाया है, इस दुनिया में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए भेजा है, वो खुद भी आपके लिए, आपके सपनों और लक्ष्यों को आपके जीवन में साकार करने के लिए आपके साथ काम कर रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं इस भावना को आत्मसात करना, तो आपको ये पहचानना होगा, ये जानना होगा कि इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके साथ हैं। आप शांति में बैठकर एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर इस वाक्य को दोहराएं कि आखिर हम कौन हैं। विश्वास ना करने वाले, जब भी आप ऐसा कहेंगे तो आप खुद की उस खोज पर निकल जाएंगे जो आपको ये बताएगा कि आप कौन हैं। विश्वास ना करने वाले, आपके अस्तित्व पर इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का साथ है जिसने आपको इस संसार में भेजा। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि वो परम शक्ति मौजूद है, तो आखिर हम कौन हैं उस पर शक करने वाले। तो दोस्तों, इस वाक्य के दोहराव का सबसे बड़ा उद्देश्य यह मानना है कि यूनिवर्स हैज ऑलवेज योर बैक, वो हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, अगला तरीका एक टेक्निक की तरह काम करता है जिसका नाम है ब्रेक एंड शिफ्ट। हमेशा याद रखिए, जब भी आप डाउट की स्थिति में होते हैं या किसी नकारात्मक सोच में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, तो आप केवल यह सोचकर कि आपको उस नकारात्मक सोच से बाहर निकालना है, तो नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कभी कभार आप सोचते हैं कि मुझे उस तरफ नहीं देखना, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस तरफ जाता है और बल्कि ज्यादा जाता है। ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिमाग में एक बड़े से हाथी की कल्पना कीजिए, लेकिन इसके बाद मैं आपसे कहूं कि अब आप ये कल्पना मत कीजिए, तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि ना चाहते हुए भी आप उस बड़े से हाथी का चित्र अब भी देख पा रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि आप वो काम ना करें या वो ना सोचें, फिर भी आप ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंड, यानी जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसी चीज का विस्तार आपके जीवन में होता है। फिर बेशक आप उस बड़े से हाथी की कल्पना ना भी करना चाहें, तो आपका ध्यान, आपका फोकस उसे आपके मन में बनाए रखेगा। इसीलिए यहाँ ब्रेक और शिफ्ट करने की टेक्निक सबसे प्रभावशाली होती है। इसमें हम अपने फोकस को ब्रेक करते हैं हर नकारात्मक सोच से और उसे डाइवर्ट कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं एक पॉजिटिव सोच में। अगली बार जब भी आपके मन में इस तरह के ख्याल आए कि अगर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची तो क्या होगा, या मैं कभी उसे हासिल नहीं कर पाऊंगी, तो तुरंत एक ऐसी पिक्चर या कार्टून या किसी परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें आपका मन तुरंत खुश और उत्साहित हो जाता है, जिससे आप प्यार और खुशी से भर जाते हैं। आपके फोकस में आया यह ब्रेक आपकी नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ देगा और उसी क्षण आप उस सोच से बाहर निकल जाएंगे। जैसे एक हंसने वाली इमोजी से हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, ठीक इसी तरह किसी भी उस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपकी भावनाओं को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ ले जाए। यह ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके दांतों में दर्द है और कोई आकर आपके पैर पर जोर से वार करे, तो ऐसे में आप अपने दांतों का दर्द बिल्कुल भूल जाएंगे और अपना पैर पकड़ लेंगे। इस स्थिति में जैसे ही आपका ध्यान दांतों से भटककर पैर पर आया, तो आपके दिमाग ने दांतों के दर्द को गायब कर दिया। इसी तरह जब बात अपनी नकारात्मक सोच पर वार करने की आती है, तो हम उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे ध्यान को भटकाकर सकारात्मक सोच की तरफ मोड़ देती है। ब्रेक एंड शिफ्ट मेथड से हम अपने दिमाग में आंखें बंद कर उस एक चित्र की कल्पना करते हैं जो तुरंत हमारी सोच को डाइवर्ट कर देती है और उस नकारात्मक सोच का पैटर्न टूट जाता है और हम मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और अब आप ध्यान लगा सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। यह सकारात्मक पल वो सबसे सही समय है जब आप स्वयं को उस लक्ष्य को हासिल करता हुआ विजुअलाइज कर सकते हैं, उन्हें हाँ कहता हुआ महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो जाहिर है कि डाउट या फिर डर की ये भावना फिर से आए, बार बार आए।
ऐसे में चिंता मत कीजिए। याद रखिए, इंसान आदतों का सबसे बड़ा पुतला है। तुरंत फिर से उस चित्र की कल्पना करें और उस नकारात्मक सोच को ब्रेक कर नेगेटिव पैटर्न को पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर दें। जितनी बार ऐसी सोच आए उतनी बार आप इस टेक्निक से उसे डाइवर्ट कर दें। और फिर क्या होगा जानते हैं? जब आप डाउट या फियर से भरे उन विचारों की तरफ अपनी ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऊर्जा का जुड़ाव है, प्यार है आपकी अटेंशन। एनर्जी लव्स अटेंशन। तो अगर आप उन नेगेटिव बिलीव्स पर ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो वो वापस नहीं आएंगे। बढ़ते हैं आखिरी तरीके की तरफ, जो है द पावर ऑफ नाउ, यानी वर्तमान की शक्ति। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वर्तमान में नहीं हैं, यानी आप इस समय यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, कहीं और हैं, तो शायद आप कहें कि नहीं, मैं तो यही हूँ। दोस्तों, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में आपके ना होने से मेरा मतलब है कि अगर आप इस समय किसी तरह के फियर या डाउट में हैं, तो आप शारीरिक रूप से तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपका मन भविष्य की किसी तरह की चिंता या पास्ट में की गई किसी तरह की गलतियों के डर में फंसा हुआ है। इस तरह के अनुभवों से आपका मन आप में डर और खुद की काबिलियत पर शक करने की भावनाएं बना रहा है। तो अपने मन को वर्तमान में लाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस आंखें बंद कीजिए और 5 से 10 मिनट इनहेल और एक्सहेल, ये सबसे आसान तरीका है। सांसें अंदर और बाहर। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी अटेंशन इस पल को सौंप देते हैं, तो आप वर्तमान में खुद को पूरी तरह से सकारात्मक पाते हैं। गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। यह प्रक्रिया आपको वर्तमान की सबसे शक्तिशाली शक्ति का अनुभव कराएगी। 5 मिनट बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे। ऐसा करने पर आप भविष्य और भूतकाल के बुरे अनुभवों से जन्म ली गई नकारात्मक भावनाओं के चक्र को तोड़ने में सशक्त हो जाएंगे। जब आप वर्तमान में होंगे, तो आप फिर से रिफोकस्ड होंगे। इस पल में आप वो एक्शंस ले सकते हैं जो आपको आपके जीवन के लक्ष्य के और करीब ले जाए। फिर चाहे वो एक्शन एक फोन करना हो, एक बुक लिखनी हो, या कोई नई कला सीखनी हो, या किसी कला में बेहतरी के लिए प्रैक्टिस करना हो, या फिर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करनी हो, किसी भी तरह का एक्शन हो, आप इस 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद कर सकते हैं। ये आपको द पावर ऑफ नाउ के प्रति सचेत करेगा। ये आपको उस चीज पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अपने मन से हर तरह के संदेह और डर के चक्र को तोड़ने के लिए आप इन 3 में से किसी एक तरीके को भी चुन सकते हैं। और इन 3 तरीकों को भी चुने तो आप अपने मन में बसे हर नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक एंड शिफ्ट करके अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को रिफोकस कर पाएंगे। यह आपको प्रेरित करेगा हर वो काम करने के लिए जो आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और पास ले जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।